Yeah, it's good. I think it's can be, it can be it can be watched once, you know. Regarding, I think script-wise, it's good. Story is good. It has been taken well. Direction is also good, but. Okay, so 5 out of 5. And I think music was even good. Lyrics were fine. Out of 5, I will give 2.5. Thank you. तो सर आपने मूवी अभी देखी कैसी लगी आपको? वंडरफुल लगी मूवी, बढ़िया है, बेहतरीन है और मुझे उम्मीद है कि पब्लिक को भी काफ़ी पसंद आएगी जिस तरीके से हम सारे लोगों को पसंद आया। स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहिए आप? स्टोरी एक्चुअली देखा जाए तो बिकॉज़ ये दिल्ली टाइप की मतलब स्टोरी है, एक नॉर्मल फैमिली में क्या होता है, नॉर्मल गाँव में कैसे होता है, तो सो बेटर इज गुड स्टोरी। ओके, तो 5 out of 5? 2.5। दिल्ली फूडी फिल्म अच्छी फिल्म है, शादाब खान का डायरेक्शन अच्छा है और एक्टिंग भी अच्छी है उनकी। जिगर के रोल में उन्होंने अच्छा काम किया है। मैं 2.5 स्टार देना चाहूँगा फिल्म को। स्टोरी के बारे में क्या कितना रियलिस्टिक लगता है? हाँ, रियल सिनेमा लगता है काफ़ी, विदाउट लाइट मुझे लगता है कि शूट किया गया है, नेचुरल लाइट में, और एक गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप का एक सिनेमा है, अच्छा है, अच्छी कोशिश है, म्यूज़िक भी अच्छा है, 2 गाने मुझे अच्छे लगे फिल्म के। एक चीज़ वो मुझे जिगर की एक्टिंग, जिगर के रोल में जो शादाब खान ने एक्टिंग की है वो अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है फिल्म का, कमाल फिल्म है। एक बार 2.5 देना चाहूँगा मैं, 2.5 स्टार देना चाहूँगा। चलिए, थैंक यू। दिल्ली 47 किलोमीटर एक अच्छी अटैम्प्ट है, सिंसियर अटैम्प्ट है, क्योंकि हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जब आजकल स्टार्स के पीछे भागते हैं और स्टार शटर फिल्म बनाते हैं, एक डिफरेंट अटेम्प्ट है रियलिस्टिक स्टोरी को पेश करने के लिए। ओके, तो स्टोरी कितना छू गई आपको अगर देखा जाए, क्योंकि रियलिस्टिक मूवी है तो कितना छू गई? रियलिस्टिक स्टोरी ये इसलिए थोड़ा बहुत छूती है, लेकिन ऐसा भी बोल नहीं सकता कि इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, क्योंकि ऐसे बहुत सारी फिल्म देख चुके हैं। उस श्रेणी में ये भी एक फिल्म है, इतना रियलिस्टिक भी नहीं बोल सकूँगा कि दिल को तुरंत छू जाएगी, लेकिन इट्स ए पॉसिबल अटेम्प्ट। ओके, लास्ट ईयर सर क्या 5 out of 5 स्टार देना चाहिए? इसको मैं 2.5 स्टार दूँगा।